ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28 मार्च 2024 की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। और आज का प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैविक गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माँ एकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते, जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप ट्रुथ अर्थात सच्चा है ना। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है, वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। बाबा कहते, योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। बाबा कहते, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं, यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूं, और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। बाबा कहते, यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा हमें समय के बारे में बता रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय की पहचान सिर्फ हम बच्चों को है, क्योंकि बाबा ने अपना परिचय सिर्फ हमें ही दिया है। बाबा कहते, ये तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। बाबा ने कहा, पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र, यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है, 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच हैं ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं, शिव बाबा तो अशरीरी हैं। बच्चे समझ गए हैं, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल पार्ट है ना, इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं, यह भी बाबा ने बताया है।
क्या बताया है बाबा ने कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूं और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। बाबा सबको कहते हैं ना बच्चे बच्चे, तो सबको बच्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा के रूप में सब परमात्मा की संतान है। बाबा कहते सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं, सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। कौन स्थापन करते हैं? शिव बाबा। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है वह है जड़। यह है चैतन्य, सत्चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। बाबा कहते मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप नॉलेजफुल हैं। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है, सत्युग में। सत्युग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सत्युग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। बाबा कहते ये बॉम्बे पहले नहीं थी,
देवताएं खारे अर्थात सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते थे। बाबा कहते मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सत्ययुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से तीन ट्यूब निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थुर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। बाबा कहते इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम तीन धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। यहां बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहां तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ, फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे, देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े, यह भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा कहते अब सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो। बाबा ये हमारे लिए कहते हैं कि तुम महावीर हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। बाबा कहते ऐसे प्रश्न करो और उसे प्रश्न करने में घबराओ नहीं। बाबा कहते अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रोंग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं, तुमको अब रोंग बातें सुनना पसंद नहीं आती, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल, बाबा कहते कुछ भी गलत नहीं सुनना, मनुष्य को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो, सत्ययुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है
आप पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं, हे दुखहर्ता सुखकर्ता आओ। बाबा कहते, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो, ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलग समझना है, अलग को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं, बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते, मुझे बुलाया ही इसलिए है, जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। बाबा कहते, जीवन मुक्ति तो सेकंड में मिल जाती है, लेकिन याद की यात्रा में समय लगता है, क्योंकि माया विघ्न डालती है, मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देही अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते, इनके लिए भी बहुत सहज है, तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे, अब तो बहुत याद करता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा उनके लिए बता रहे हैं कि अब तो बहुत याद करता हूँ, कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे, अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे, मेरे भी सब बच्चे हैं। यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं, यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। बाबा ने बहुत बच्चों की पालना की है, तो ब्रह्मा बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भी मेरे बच्चे हैं, और ये भी मेरे समान नर से नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते, यहां तुम आए ही हो इसलिए, कितना समझाता हूं, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो, नहीं करते हैं तो समझता हूं शायद अभी समय पड़ा है, कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख न दो, भूल करते हो गोया दुख दे देते हो, बाप कभी भी दुख नहीं देते, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे, ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो, यहां अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। बाबा कहते, कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी, जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे, यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस, ऊंच से ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, यह है हाईएस्ट पावर, वहां बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता, यहां कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके,
शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। ये बाबा सतयुग के लिए कह रहे हैं। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता, याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं, कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? अब बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किया कि फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए और दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, पहला है पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। और दूसरा है बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज का वरदान लेते हैं, अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हस्त मस्तक पर है और बाबा वरदान देते हैं। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। बाबा कहते इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों ही तंदुरुस्ती आवश्यक है। बाबा यहाँ प्रकृति शरीर को कह रहे हैं कि इस जीवन में, ये जो अलौकिक जीवन हमारा चल रहा है, इसमें आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से काटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। आज का स्लोगन है, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।